नहीं, हम बिल्कुल इस कदम के, जो बिहार सरकार का कदम है, उसके हम अगेंस्ट हैं। और मनीष कश्यप को जो यातना दी गई है उसका विरोध करते हैं। लगातार उसके हम खिलाफ़ बातें करते रहते हैं। कुछ गलती अगर उनसे हुई भी तो उसके लिए इस प्रकार से पूरी बिहार सरकार की मशीनरी का उसके ऊपर टूट पड़ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी मृदुल मनीष कश्यप के मामले पर, जो मनीष कश्यप बिहार के यूट्यूबर और पत्रकार हैं जो तमिलनाडु जेल में बंद है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के मामले में जो बिहार सरकार ने उनको जेल भेजा है और तमिलनाडु सरकार ने NSA लगाया है, उसी मामले पर सुपरफास्ट न्यूज के पत्रकार अरविंद पांडे ने मनोज तिवारी से मनीष कश्यप के मामले पर पूछा कि आप क्या मनीष कश्यप पर बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के मामले में। आइए सुनते हैं मनीष कश्यप के मामले पर मनोज तिवारी ने क्या कहा। सर, मनीष कश्यप जो कि यूट्यूबर पत्रकार हैं और काफ़ी न्यूज़ जो है खोजी पत्रकारिता करते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो बिहार में एक नवनिर्मित पुल गिरा है उसके बाबत एक साल पहले भी उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की थी, उस समय पुल गिरा था और दोबारा भी गिरा है, तो उसके बाबत सर क्या है कि क्योंकि साजिश के तहत जैसा कि बिहार सरकार ने उनको जो है और तमिलनाडु सरकार ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके उनको जेल में डाल दिया और बिहार सरकार ने उनको राष्ट्रपति भी लगा दिया, तो उस कंडीशन में सर क्या है कि वो परिवार आर्थिक रूप से भी काफ़ी परेशान हो गया है, जो कि एक आर्मी के सैनिक का बेटा है वो, तो उसके बाबत BJP का क्या स्टैंड है और क्या कुछ कर रही है उसके लिए। नहीं, हम बिल्कुल इस कदम के, जो बिहार सरकार का कदम है, उसके हम अगेंस्ट हैं। और मनीष कश्यप को जो यातना दी गई है उसका विरोध करते हैं। लगातार उसके हम खिलाफ़ बातें करते रहते हैं। कुछ गलती अगर उनसे हुई भी तो उसके लिए इस प्रकार से पूरी बिहार सरकार की मशीनरी का उसके ऊपर टूट पड़ना, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से मौका ढूंढ रहे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष को जो यातना दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, आने वाले समय में बिहार की जनता इसका बदला जरूर चुकाएगी। सर, BJP का बयान आता रहता है समय समय पर, तो क्या कुछ कर रही है उनके छुड़ाने के प्रयास में? देखिए, ये अब तो भी एक लीगल प्रोसेस है और हम लोग पूरी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि लीगल एड दिया जाए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उनके संघर्ष के दिन समाप्त होंगे।